हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर ढंग से कर पा रहे होंगे। बच्चों, हम सभी लोग दीपावली पर अपने अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और उन्हें सजाते भी हैं। आप सभी जानते हैं कि दीपावली के समय हम सभी अपने घरों में अर्पण भी बनाते हैं। यह हमारी लोक परंपरा है। यह एक निश्चित चित्रों के दोहराव से बनने वाली एक लोक चित्रकला है, जिसे हम त्योहारों, शुभ अवसरों, धार्मिक अनुष्ठानों और नामकरण संस्कार, विवाह, जनेऊ आदि जैसे पवित्र समारोह में बनाते हैं। यह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। हम सभी को अपनी इस लोक कला का संरक्षण और उचित प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। आइए, पाठ शुरू करने से पहले कुछ वीडियोस देखते हैं। आपको इन वीडियो को ध्यान से देखना है और उस प्रक्रिया को पहचानना है जिससे ये अर्पण बन रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा ना कि अर्पण बनाते वक्त चित्र और रेखाओं का एक निश्चित समय में बार बार दोहराव हो रहा है। आप भी अपनी कॉपी में अर्पण के दो चित्र बनाएं और ध्यान रखें कि चित्रों और रेखाओं का दोहराव अवश्य हो। इसी प्रकरण पर आज हमारा पाठ आधारित है, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न समतल आकृतियों को पहचानें। निम्न रेखाओं को पहचानें और इनके नाम भी बताएं। इन रंगों को तो सभी बच्चे पहचानते होंगे, तो चलिए नाम बताइए। निम्न अंकों को पहचानें।
इन फूलों के क्रम को ध्यान से देखें और बताइए कि रिक्त स्थान में कौन सा फूल आएगा। प्यारे बच्चों, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम पढ़ेंगे पैटर्न। पैटर्न किसी भी प्रकार की घटना या वस्तु से संबंधित होते हैं। यदि किसी विशिष्ट नियम में संख्याओं, चित्रों या रेखाओं के समुच्चय को एक दूसरे से संबंधित किया जाता है तो नियम या तरीके को एक पैटर्न कहा जाता है। आपने अपण में भी देखा होगा, एक चित्र बार बार दोहराया जा रहा था और उसी से पूरा चित्र बनकर तैयार हो रहा था। कभी कभी पैटर्न को अनुक्रम के रूप में भी जाना जाता है। पैटर्न संख्या में परिमित या अनंत है। उदाहरण के लिए, एक अनुक्रम में 2, 4, 6, 8 अंक हैं। तो बताइए अगला अंक क्या आएगा। बिल्कुल सही बच्चों, अगला अंक 10 आएगा, क्योंकि 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो अगला अंक हमें जो प्राप्त होगा वो 10 होगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम संख्या पैटर्न पर चर्चा करते हैं। रिक्त स्थानों को देखिए और यह बताइए कि खाली स्थानों पर कौन से अंक आएंगे। पहले अंक में 1 जोड़ने पर अगला अंक प्राप्त हो रहा है। जैसे 0 में 1 जोड़ने पर 1 आया, 1 में 1 जोड़ने पर 2 आया, ऐसे ही 2 में 1 जोड़ने पर 3 आया। दो का पहाड़ा प्रयोग किया जा रहा है, या पहले अंक में को जोड़कर अगला अंक आ रहा है। जैसे 2 में 2 जोड़ा 4 और 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, 32 में से 3 घटाने पर हमको 29 प्राप्त होगा। पुनः 29 में से 3 घटाने पर 26 प्राप्त होगा और इसी प्रकार से 26 में से 3 घटाने पर 23 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से पैटर्न आगे को चलता रहेगा। दो में 3 जोड़ने पर 5 प्राप्त होगा, फिर 5 में से 2 घटाने पर 3 प्राप्त होगा। पुनः 3 में 3 जोड़ने पर 6 प्राप्त होगा व 6 में से 2 घटाने पर 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार क्रम से पहले 3 जोड़ना व फिर 2 घटाने से पूरा पैटर्न प्राप्त होगा। इसी प्रकार से पहले अंक में 1 जोड़ा जा रहा है, फिर जो अंक प्राप्त हो रहा है उसमें 2 जोड़ा जा रहा है और एक क्रम बनके तैयार हो रहा है। 23 में 1 जोड़ा 24, 24 में 2 जोड़ा 26, 26 में पुनः 1 जोड़ा 27, 27 में पुनः 2 जोड़ा तो हमें 29 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से आगे की क्रियाओं को आप स्वयं करें।